हम खूब चपले हैं, खूब गावत हैं। तो वहाँ के बाद में पूछे तो कि लुलिया का मांगत रहा लुलिया गुलिया ना मांगी थी यार। फिर के जवार हैं जलंधर यादव जी, सम्मान लेकर के सम्मान किया गया। बोलो की प्रणाम सबके, बोलो की प्रणाम। हो 10 मिनट के प्रसंग आप लोगों के सुना दें। अब Thank you.
लंका का जितनी लोग बचल हो सभे रोक बाकी हमने का राज चलावे वाला कोई ना कह गई का अरे दुश्मन को मधुमक्खी के रस चाटते चाटते वह मुल्कासुर जवान हो गया। उसी दंडक वन में फल फूल खा करके अपन देह बनौले है। एक दिन ध्यान मग्न हो गया, भक्ति में लीन बैठल हो, ओम प्रभाय नमः, ओम प्रभाय नमः, ओम प्रभाय नमः। ब्रह्मा जी चार गो मुड़ी लेले आ गए, कहो क्या चाहिए। मुल्कासुर खड़ा भेल, कल सरकार हमके वरदान देदा कि कौनो पुरुष की मरले हमार मृत्यु न होखे। ब्रह्मा जी वरदान दे के अंतर ध्यान हो गए, मुल्कासुर तैयारी कैल, लंका पर चढ़ाई कर देलस। सोच गया लंका का राजा मैं बनूंगा, लंका को मैं चलाऊंगा। जा करके वह मुल्कासुर लंका के दरवाजे पर ललकारे लगल, अरे विभीषण बाहर निकल, तू तो लंका का नासी है, विनाशक है। कहा जाता है कि घर का भेद लंका ढा है, तू लंका में रहने जोग नहीं है, तू कुलद्रोही है। वह मुल्कासुर विभीषण के मारे खातिर लगल थे दिया हुए, यहाँ गीत लगल कैसे मास्टर। खेसारी लाल यादव के गीत के गौले रहल आगे रहल अरे बहिनिया ध्यान
वरदान फूले ही कोनो पुरुष मरबे न करी या मरबो करी तो यही है। पहले भी भीषण के मारा वो करे बाद राम के मारा वो करे बाद लंका का राजा बनो। ललकार में लगा भी भीषण को दुई दरबारी गोजी वाला ले लो दबरो ले लो चलो सरकार। दरवाजे पर कोई विशाल राक्षस आपको ललकार रहा है, बता रहा है कि उसका नाम बुलकासुर है और यह भी बता रहा है कि वह कुंभकर्ण का बेटा है। विभीषण के बतिया सुन के पसीना छूटा था, सोचा था कि यह हो भाई ये तो हम सोचा नहीं ना रली आए के दुवारी से झाका तो हम देखल विशाल रूप मुल्कासुर का भगले यार में विभीषण भागने लगे और हम मुल्कासुर खेत लगन कहल गई अरे विभीषण भैले कुल के मुदई अरे विभीषण भैले कुल के मुदई बचाना वीर कोई लंका में सब मर शायद अगर तू ना बताता तो हमारे चाचा रावण का वध करने वाला कोई वीर पुरुष पैदा नहीं था। तू ही है कि रावण का वध करवा दिया, तू ही है कि लंका को राख करवा दिया। विभीषण भागा था, जान बचे लाखों उपाय मैंने सोचे कि कहां लुकाई, आखिरकार सोचला होगा लड़का कले रहल कि यादव जी का बेटा हो दूध पिला के लेता हूँ। लड़का बड़ी समझदार रहल, वही के बाद तुरंत डुप्लीकेट गीत आ गई गवैया गौलस की असल नाऊ का बेटा हो बाहर बना के लेता हूँ। वो समझदार रहल तीसरका लड़कवा सोचल कि हम देखा थे तो पछुआ जाए गौलस की असल निषाद का बेटा हो ऊपर चढ़ा के लेता हूँ। कहला का मतलब कि मल्लाह के बेटा जब अपने नैया पर बैठा ले लो एक बार से वह बार जब उतारे लो तयापन खिवाई वसूल करे लो अखिला नंद पढ़ल लिखल हो ऊपर चढ़ा के लेता हो पिछवाड़े पढ़ ले मल्लाह भाई चार बजे भोर में जावन गंगा जी के जगावे लो कहे लंका कहे लं अरे तू हमके चढ़ाई बोया मैया तू हमके चढ़ाई बो मैया अरे नरियल पानी कई ठाके जली को ये मोरी होती पनिया की पानी कई ठाके जली को ये
लंका में कोनो अब देश द्रोही पैदा न हुई। लंका में कोनो राक्षस पैदा न हुई जवन विभीषण का काल बनी। लेकिन ऐसा हम लंका में तो ऐसा राक्षस पैदा हो गए कि हमहू के मारे के खोजत बा तुहू के मारी। भगवान राम विभीषण से पूछत और विभीषण बतावत बा का आगे आगे विभीषण पीछे पीछे भगवान राम वही लंका में पुनः चढ़ाई गए ले बाबू। छा करके लंका में ललकारे लगलन कौन वीर है सामने आ। भगवान राम की बात सुन करके मुनका सूर सिंहासन से नीचे उतर के आई हो। आ करके भगवान राम का देख करके मुनका सूर ललकारे लगल। अच्छा तो तू ही है लंका का राजा रावण का वध करने वाला। मुझे भी मार लंका में, मुझे भी पछाड़। मैं भी तो मानू कि तू ही राम है। रणभूमि में वह मुल्का सुरा के भगवान राम के ललकारत भगवान राम चल दे लड़े खातिर। एक तरफ मुल्का सुर दूसरी तरफ भगवान राम लड़ाई होखे लगे ले बाबू। लड़ते 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 भगवान राम मने सोच गई लगत हो कि लड़ाई हम ना जीत पाई। यहाँ बड़ी पुराण की तरफ स्वर्गीय राम देवुर के जमाने वाली कैसे और नरोत्तम विश्वकर्मा राम का गुरु जी गावो अपनी जवानी में खड़ा हो
आंख भगवान राम खुल्लन ब्रह्मा के सामने देख के हाथ जोड़ के विनती करत हुआ। यही लंका में रावण के मार के गई, लेकिन यही लंका में लगत है कि मुनकासुर के हाथ ही हमारे बद्ध हो जाए। आखिर भगवान मारत कहिए, लेकिन मुनकासुर मरत कहे न। ब्रह्मा जी ऐसा लगला कला मर पर दान दिया लई मरी ना। भगवान राम कलम न मरी तब तो हमके मरी कहो। ब्रह्मा जी कहा तू मर जाएगा तब तक खेल खत्म हो जाए। ये तुम्हारे हाथे न मरी मरबो करी तई जानकी के हाथे यानी सीता के हाथे मरी। भगवान राम ताकत हो का मालिक एक बार जानकी अली लंका का सर्वनाश हो गए। कितनी लोग मारल गए लंका चाहत हो फिर सीता यावन फिर सर्वनाश लोगन के होते। कलंक मुनकासुर का पद सीता के हाथे लिखल हो। जितनी जल्दी हो सीता के लंका बुलाई अबा। भगवान राम ताकत हो हनुमान चढ़ल हो पुथलुकिया। इशारा कैला हो भगवान राम जल्दी अबा हनुमान मुड़ी अलाव कहे तुहरी बीच का लड़ाई हो हमके मत बुलावा। हाथ जोड़ल भगवान राम कलंक की वो बारी तुही लड़ाई जीत दुबला। ए भारी भी लड़ाई तुही जीतवा। हनुमान नीचे आया भगवान राम समझाई के को बात कलो पापड़ के लाइन में। लंका हनुमान जी एलन माई जानकी नजर दुगा के देखा थी। सगरी सेना मारल गई लवन कोई का हाथे नहीं थे कोई का पैर नहीं थे कोई का गर्दन नहीं थे कोई कोसो दूर खड़ा होके चिल्लाता राम को कहीं पता ना माई जानकी भगवान राम के खोजत ही बाहो। जब भगवान राम के नहीं देखली है आज बबूला माई जानकी ललकारने लगी मुनकासुर को। ए मुनकासुर मैं चाहती हूँ कि रणभूमि में मुझे भी पछाड़ मुझे भी आरा दे। सामने आकर के मुनकासुर हंसे माई जानकी के देख के मने सोचे मारे प्यारी तू इतनी सुंदर है इतनी कोमल है तू लड़ने जोग नहीं है मेरी रानी बन जा मेरी पटरानी बन जा लंका की सिंहासन पर रखूंगा। आग बबूला जानकी हाथ में तलवार लेकर के ललकारने लगी पटरानी बनूंगी रानी भी बनूंगी लेकिन रणभूमि में पछाड़ के दिखा। युद्ध शुरू हुआ लड़ाइया होने लगी एक तरफ मुनकासुर और दूसरी तरफ माई जानकी का लड़ाई होता कैसे तू लाई न रहा अरे नारी का सम्मान अरे नारी के चीनी गया का सम्मान से I'm gonna lose it, 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 I'm gonna lose
की ओर बढ़ने लगी है। रक्त चाहिए मुझे, रक्त दो मुझे, मुंडमाला दो मुझे, रक्त दो मुझे, मुंडमाला दो। मुल्कासुर जब माई जानकी का विराट और विशाल रूप देखला है, वह मुल्कासुर पीछे हटने लगा ले काम। लेकिन माई जानकी कैली का लास्ट भाव में बताओ ले चाहिए। तलवार खींच करके मुल्कासुर के गर्दन पर माई जानकी मर लिए बाबू। और जब गर्दन पर तलवार लगल है, वही रणभूमि में मुल्कासुर गिरल। बतावल गई और विनाश है माई जानकी मुल्कासुर के रणभूमि में मार गिर हुई है बाबू। तमाम राक्षस भागत हुन, जान बचावत हुन, और देवता माई का वाहन करत हुन। भगवान राम आगे खड़ा होकर त्राहि माम करत हुन। कहल गई अरे मुल्का सुर का समर बीच में नहीं दिखली संहार, भगवान राम के माई जानकी चार कदम जब ही आगे बढ़ ली हो, भागल विभीषण आई हाथ जोड़ के खड़ा भइल है माई, ओ मेरी भगवान राम हमके तिलक चढ़ाऊ सिंहासन पर बैठा के। कहो अब तो आप देशद्रोही कोनो न पैदा हुई, न तुमके मारे वाला कोनो पैदा हुई, लेकिन पैदा हो गई। अब तू का करते हो? भगवान राम का हाथ माई जानकी छोड़ ली, हाथ पकड़ ली विभीषण के, लाई के सिंहासन पर बैठा दी। राज सिंहासन पर माई जानकी बैठाते हुए वरदान देती है विभीषण को, रे विभीषण लो मैं वरदान देती हूँ, अब इस राज को तुम चलाओगे और इस राज में पुनः कोई वीर पैदा नहीं होगा, नहीं कोई अत्याचार करेगा। जाए करो राज सिंहासन पर विभीषण बैठल माई तिलक लगाओ थी। कहल गई का अरे विभीषण को माई को राज दे कर सीता महारानी, राक्षसों का अवतार हुआ, जब जब राक्षसों का उत्पात बढ़ा, अत्याचार बढ़ा, तब तब आदि शक्ति भवानी चंडिका रूपी अवतार को आना पड़ा। चाहे जिस रूप में, चाहे लक्ष्मी बाई बन करके, चाहे झांसी की रानी बन करके,
चाहे काली बनकर के, चाहे दुर्गा बनकर के, चाहे सरस्वती बनकर के, हर रूप में इस शक्ति को आना पड़ा, दुष्टों का संहार करना पड़ा। लास्ट भाव में